नमस्कार, मैं उस पहल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय, लौटे मायूस। खबर चंदौली डीएम ऑफिस से, जहां नियमताबाद ब्लॉक के हसनपुर घमरिया गांव के ग्रामीणों ग्राम पंचायत में हुए धंधोली व वसूली की शिकायत पत्र लेकर पहुंचे, लेकिन डीएम के ना मिलने से ग्रामीण मायूस लौटने को मजबूर हो गए। जानकारी के अनुसार उस वक्त गांव के ग्रामीणों पहुंचकर जिला अधिकारी के पत्र देना चाहते थे, लेकिन जिला अधिकारी नहीं मिले, जबकि ग्रामीणों का आरोप था कि आवास में प्रधान प्रतिनिधि द्वारा 5 से 10 हज़ार वसूली की गई है। वही मनरेगा में भी धंधोली का आरोप लगाया है। खास रिपोर्ट अवधेश यादव के साथ। क्या मामला है? आप लोग यहाँ पे धरने बैठे हैं डीएम ऑफिस? अरे साहब, कहाँ लिखा है जी? हम लोग पहले कहाँ लिखा है? आवास आवास मिला है आपको? शौचालय मिला है क्या? शौचालय बन गया, उसमें भी कुछ पैसा लिया गया? कौन लिया 2000? प्रधान जी 2000 लिए हैं? अच्छा अच्छा, क्या बोले वो? बोले क्या, कहा कि उतना में हो जाएगी। अच्छा, 10,000 में बोले कि हो जाएगा, 2000 रुपये आपसे ले लिए। और आपको जो है कि गाड़ी ओड़ी सरकारी कोई योजना राशन कार्ड वगैरह बना? नहीं सर, आधार कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं बना जी, ना गाड़ी ओड़ी मिला। अब प्रधान से आप बोले? हाँ सर, प्रधान से बोले। क्या बोले? कहा कि ऊपर से बने, ऊपर से बनेगा। एक मिनट बोलो, आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। हमारा नाम प्रवीण कुमार है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? नियंताबाद घमरिया। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है सर? कल हमको आवास नहीं मिला है, न गाड़ी मिला है, न पैखाना पैखाना मिला है। वो पैखाना मिला सर तो 12,000 में पैखाना बनेगा। यहाँ बैठे हैं, क्या मामला है आपका? आपने कभी प्रधान से बात किया? प्रधान से कई बार बात किया। क्या बोले? प्रधान कहे कि वो सरकार से आते हैं ऊपर से। अच्छा हाँ ठीक है। राशन कार्ड वगैरह आपका बना है सब? राशन कार्ड हमारे नहीं बने हैं सर। आपको कुछ दिव्यांग पेंशन मिलता है कि नहीं? हाँ, दिव्यांग पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है? हाँ। आप कब से ऐसे पैर से लाचार है? साल भर के बाद सर। साल भर के बाद? हाँ। तो आपको पेंशन कब से मिल रहा है? अरे पेंशन काला सर, हम कितना दिन से बताएं, इतना हम जोड़ लेते फिर से लड़को। अपना परिचय बताइए। सुरेश कमरिया मऊजा हसनपुर ब्लॉक नियंताबाद। क्या आपकी समस्या है? समस्या ये है साहब कि हमारे लोग को न आवास मिला, न घर द्वार। हाँ, और नरेगा में एक महीना काम किए, एक पैसा नहीं मिला, फर्जी फर्जी आदमी को मिल गया सब। तो इसके बारे में आप अपने ग्राम प्रधान से बात किए? कई बेरी किए तो कहें कि सुबह पता लगा रहे हैं, पता ही तो है, कहें वहाँ लखनऊ से पैसा आएगा। हाँ, यही तेरे सबूत करिए, हम लोग चुपचाप हैं। कितने महीने से पैसा नहीं आ रहा? पैसा हम लोग कम से कम 4 महीना काम किए हैं, एक पैसा नहीं मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? कमरिया का। क्या मामला है यहाँ पे? यह कि मतलब कुछ आवास में पैसा कुछ खेले हुए लोग। कौन लिया है पैसा? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? कपूर ऋषि नारायण। अच्छा, कितने लिए हैं? अरे 5,000 एक बेरी, 3-4 हज़ार एक बेरी ले रहना। अच्छा, दूसरी 9,000। आप लोग कहाँ भी पैसा दिए हैं? बैंक में लेना 5,000। क्या बोले? कुल लेना। अरे वो कथो पैसा निकाला जो है कि तो लोग का काम चलो। अच्छा। जब निकाल ले लीजिए तो अपन पैसा ले लेना। पैसा ले लीजिए। वो
अपना परिचय बताएं। पसरपुर ग्राम कमरिया नियंतावत ब्लॉक। क्या है मामला? मामला यह है कि मतलब मनरेगा का पैसा फर्जी 300 आदमी का मतलब काम किए तो 200 आदमी का फर्जी भर दिया पैसा। आपके क्या आपके पास प्रमाण है? हाँ प्रमाण है, बतावल आदमी सब बतावा दे हम, पकड़ भी बता दे हम। फलाने फलाने आदमी का जो घरे बैठल है वो कैले है काम, कैले तो वो पैसा। दो चार लोगों का नाम लेंगे आप? हाँ दो चार लोगों का। दो चार लोग का याद नहीं है, आपका लिख के हम जा रहे तो हम बता दे रहे। अच्छा अच्छा, और क्या मामला है? मामला है कि ये मतलब कि आवास जी के पक्का दे ले हुए, एक बनल है सो तो फिर ओके पक्का फिर देते हुए जी दोबारा देते हुए आवास का, एक घर में तीन लेकर चार आवास देते। आवास वास में पैसा भी लिया गया? पैसा ले हुए। आप लोग पत्र लिखे हैं आवास कितना लिए? 6,000 रुपया बैंक के पीछे ले हुए। बैंक के पीछे? बैंक के पीछे बुला के जबरदस्ती ले हुआ प्रधान नियंतावत बैंक। क्या नाम है प्रधान का? शीला देवी निशिंग नारायण। शीला देवी प्रधान पति है? हाँ। अपना परिचय बताएं। कमरिया हसनपुर ब्लॉक नियंतावत। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि कोई का चर्चा ठेवास मिलता है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कुछ नहीं, मड़े झोपड़ी में बिता रहे हैं, प्रधान दबंगई करके दूसरे के दे देता है, कई बेरी आवास आया काट के दूसरे के दे दिया। तो इसके बारे में आप सेक्रेटरी से बात की? आप नहीं सरकार, हम उनका जानकारी है, कहाँ जाए जाए। अच्छा प्रधान क्या बोले? बोले कि उनको अंटी पल्टी है, अपने पल्टी के पहले आवास दिया जाए। आप लोग उनके विरोधी हैं? हाँ विरोधी हैं, इसलिए आपको आवास नहीं दिया जा रहा है? हाँ हाँ सरकार। कल कोई चेक करने भी आया था तो क्या हुआ? एक जाने आ रहा ना, हम तो जनबने के लिए किया हुआ जी, कल सरकार दरिया लिखा था तो ऐसे हमारे बगलिया में देख लेता तो क्या बोले? वो लोग भागे, कहा पागल है साला, गाली दे रहा है, भागा भागा। अच्छा। सेक्रेटरी साहब गए थे तो आपको वो बोला भरत जी बोला कि पागल है। ये भरत कौन है? वही प्रधान का संगी है। अच्छा उन्हें कुछ कागज पत्र। रोजगार सेवक है क्या? रोजगार सेवक है। ठीक है, मनरेगा में आप लोग काम किए? पहले है वो पैसा ना मिला लगता है। मनरेगा का पैसा नहीं मिला? नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा, सही से काम हुआ है? सही काम हुआ है। काम सही हुआ है? पूरा काम करे